नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव। से शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पहली ही बारिश को नहीं सहन कर पाया टर्मिनल वन। कश्मीर के कठुआ से जहां पर आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान इस समय चल रहा है, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। पैरा कमांडो फोर्सेस के जवान इस समय जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों को तलाश रहे हैं, उनके निशान ढूंढ रहे हैं। परिवार दर्द सहेगा। पुणे में एक नाबालिग पिता की 2 करोड़ की पोर्शे कार से वो निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर्स के साथ में मौत हो जाती है। कुमार के राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने के कांग्रेस के दावे को जेडीयू ने खारिज कर दिया। टर्मिनल वन की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। पिलर नीचे खड़ी हुई गाड़ियों पर आकर गिर गए, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व के समापन की ओर बढ़ते हुए कदमों की आज शाम को 5 बजे 2024 के लोकसभा चुनावों का प्रचार थम जाएगा। चुनाव के नतीजों को लेकर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, इसीलिए भगवान ने उसे 241 पर। भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी है, शीतलहर चल रही है, कोहरे का कहर है, ट्रेन प्लेन सब लेट है और इसकी वजह से यात्रियों का धैर्य जवाब। मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस बैग में बच्चे का शव लेकर सूचना सेठ भागी थी, उसमें से पुलिस को एक नोट मिला है। उस नोट में कुछ ऐसा लिखा है जिससे इस पूरे केस की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। लगी प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग का फैसला सही। मंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सदस्यों को चेतावनी या नसीहत दी है और नसीहत यह है कि राम मंदिर को लेकर संयम से बोले। उत्तरी पश्चिमी चीन से मिल रहे जहां पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और इन जोरदार झटकों की वजह से जान माल का एक बड़ा नुकसान। 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन दिन लगे 17 दिनों तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे।